हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ देवोश्री। आज सुबह का अभी 5:30 बजे, अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। सो मैं यहाँ पर शू पहन रही हूँ और मैं जा रही हूँ वॉक में, मतलब मॉर्निंग वॉक में। सो अभी से मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है और मैं थोड़ा बाहर का दृश्य आपके साथ शेयर करूंगी, जहां मैं जाने वाली हूँ मॉर्निंग वॉक करने में। एक्चुअली मैं लोकली एक पार्क है वहां पर मॉर्निंग वॉक करने जाना चाहती हूँ, लेकिन बाद में क्या हुआ आप धीरे धीरे देखिए। सो अल्टीमेटली मैं आ गई हूँ प्रिंसेप घाट में। एक्चुअली मैं मेरा लोकल पार्क में जाना चाहती थी, लेकिन क्या है, एक बस सामने आ गया और वहाँ पर बस जो है लिखा होता है बाबू घाट। सो मैंने सोचा चलिए आज बाबू घाट में जाते हैं वॉक करने। तो इस टाइम बहुत फाका फाका रहता है, मतलब खाली खाली रहता है। सो थोड़े ही बहुत लोग आते हैं, क्योंकि वो 6:15 अभी बाजा है 6:15। सो और गर्मी भी पड़ गया, सो इसीलिए ज़्यादा लोग अभी नहीं आता है, ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होता है। ये है माँ गंगा, सो आप देख लीजिए। सो यहाँ पर आने के बाद मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं, मेरा घर की थोड़ी ही दूर में ये गंगा की तीर है, सो मैं यहाँ पर बीच बीच में आती रहती हूँ। ये सब जो नाव है, नाव एक साथ लगा हुआ है और ये नाव वाले यहाँ पर ही सोते हैं। सो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पर सुबह सुबह, लेकिन गर्मी बहुत पड़ गया है। ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पर वॉक नहीं कर पाऊँगी, और सबसे बड़ी बात, मैं अकेली आई हूँ यहाँ पर। मैं थोड़ा मेरा सेल्फ़ी ले लिया, क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ा सेल्फ़ी लिया जाए। और ये देखिए, मेरा बीच में सेकंड हुगली ब्रिज है, मतलब उस पार से इस पार, उस पार हावड़ा एरिया है, हुगली हावड़ा एरिया है, इस पार कलकत्ता है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। सो बीच में ये ब्रिज है, सो इसके सामने खड़ा होकर मैं वीडियो कर रही हूँ। यहाँ पर जो बोलता है ना, ज्वार होता है, पानी का ज़्यादा भी है। सो ये जो देख रही है पानी का उछलपन, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पर सूर्य नमस्कार करने के बाद मैं सोच रही थी फिर वापस जाऊँ। एक ही राउंड मारा था और मुझे गर्मी बहुत लग रहा था, तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं पहले से प्लान करके नहीं आई थी। और लेकिन सो अभी हम घर जा रहा है, क्योंकि घर जाके आपको कुछ दिखाना है। मेरा घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और शायद कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद ये चीज़ मैं नहीं दिखा पाऊँगी। सो जल्दी जल्दी, आज चाय भी नहीं पिया। एक्चुअली चाय के लिए यहाँ मैं वॉक करने आती हूँ। सो मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है। और मैं ठेकुआ ले लिया यहाँ से, जो मुझे बहुत पसंद है। एक पैकेट ठेकुआ ले लिया, चाय के साथ पीना है, क्योंकि आज मेरा जल्दी है, तो मैं घर जाके चाय पीऊँगी। चलिए घर जाके बात करते हैं। सो ऑलमोस्ट मैं घर में आ गई हूँ, और घर में आ गई हूँ। सो मैं बोली थी जब वॉक करने गई थी, तो घर का हालत दिखाने के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चलिए दिखाते हैं। पहले तो ये सब देख लीजिए, ये सब मेरा पेड़ पौधा सब ऐसे रखा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये है शिट, यहाँ पर बहुत ही धूप होता है, तो इसके वजह से, और बारिश भी बहुत होता है, इसकी वजह से इस शेड लगाने का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। और ये रेलिंग दे गया है, मतलब लगाया गया है पूरा घूम के पूरा छाद में, ताकि ये सब फूलों का जो पॉट है, हम ऊपर यहाँ पर
जहाँ से ऐसे रख सके, उधर से ना गिरे, इधर से ना गिरे, अगर बारिश हो या कोई भी इस टाइप का हो। ये है दूसरे पोर्शन का टेरेस, ये है कंस्ट्रक्शन का, जो आज शीट लगेगा पूरा कंस्ट्रक्शन करके गया है ये लोग, मतलब लोहे का जो पाइप्स लगाया गया है, और यहाँ पर पूरा शीट हो जाएगा, तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम होता है गर्मी में टेरेस में पेड़ पौधा का, जो बोले आप उसका, जो पेड़ पौधा का देखभाल करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि धूप में मैं नहीं आ पाती। तो यह शेड होने से कुछ पेड़ यहाँ हम रखेंगे और झूला कर देंगे, नीचे भी एक झूला लगाया है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे बड़ा, जैसे कि बड़ा टेरेस है दोनों साइड में, वहाँ पर और एक है, सो यहाँ पर शेड से लगाया है और उस साइड में नहीं लगाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा धूप वाला पेड़ रखेंगे और यहाँ पर कम धूप वाला पेड़ रखेंगे, मतलब जिनको कम धूप चाहिए। तो यहाँ पर दो चार पड़ा है, तो कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद सब हम सेट करेंगे धीरे धीरे, काम बहुत है। और इस टाइम आप समझ सकते हो कि कंस्ट्रक्शन होने के टाइम हम कुछ भी वीडियो नहीं कर पाते, क्योंकि ये सब जो सारा दिन ये लगाते हैं, इसका जो साउंड होता है उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। तो आज कोशिश करके वीडियो ब्लॉग बना लिया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और कुछ पेड़ यहाँ पर रख दिया है, इस साइड में कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद सब हम धीरे धीरे ये जो साइड में ये सब पूरा छाद में लगा है ये यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, मतलब बहुत सुंदर से सजाने का मन है, पता नहीं कितना कर पाऊँगी। तो चलिए नहा धो के चाय पी लेते हैं, फिर बात करेंगे। नहाने से पहले मेरा एक काम है, बहुत 12 साल का पुराना ये घड़ी है, कुकू क्लॉक, सो ये एकदम इसका सब टूट फूट गया है, अब देख ही रहे हो, और इसमें बहुत ही मतलब कचरा, ऊपर से जब ड्रिल करके एसी लगाया गया तब उसका वॉल में कितना सैंड इस टाइप का था, सब गिरा, और इसका हालत भी बहुत ख़राब है, ऊपर से बंद हो के पड़ा है करीब एक महीने से। सो इसे साफ करके मैं इसे चलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये एक क्लॉक, ये मेरे लिए एक क्लॉक नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल एक मेमोरी है, क्योंकि मैं जब स्विट्ज़रलैंड गई थी 12 साल पहले यूरोप टूर में गई थी, तब स्विट्ज़रलैंड जाके इस क्लॉक को मैं परचेस किया था, उन लोगों ने बोला था ये मेपल ट्री या ओक ट्री इस टाइप का कोई ट्री से वो लोग बनाते हैं, इस टाइप का क्लॉक यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन वो नकली है, ये स्विस मेड है। सो वहाँ पर यूरोपियन कंट्री में कोई भी चीज़ परचेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सारी चीज़ एक्सपेंसिव है, लेकिन कोशिश करके इधर उधर पैसा जुटा के इस क्लॉक को मैंने परचेस किया था, तो ये इतना दिन तक चल रहा था, लेकिन ये पूरा काठ का बना हुआ है, और काठ का जो है, जो काठ बहुत ही नरम टाइप का काठ का बना हुआ है। सो इससे मैं साफ कर रही हूँ और चलाने की कोशिश कर रही हूँ, इसका एक ही अच्छा साइन है कि यहाँ पर जो एक छोटा सा खिड़की देख रहे हो आप ऊपर शेड के नीचे, वहाँ से एक दरवाज़ा खुल जाता है, और टाइम टाइम पे कुकू जो बर्ड है वो आके कुकू कुकू इस टाइप का करके जाते हैं, थोड़ा वो टाइम का इधर उधर है, मतलब 6 बजे वो 10 कुकू बोलते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, हर रोज़ याद आता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड जाके इसे एक ही चीज़ मैंने परचेस किया था, थोड़ा पैसा जुटा के, वो तब इसका
इंडियन मनी में इसे कितना यूरो मुझे याद नहीं है, लेकिन इंडियन मनी में कन्वर्ट करने की बात, मतलब मेरा हस्बैंड बोला इतना पैसे से 5,000 रुपया लगा था, यूरो में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो 5,000 रुपया से इसे ख़रीद किया था। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात होता है। एनीवे, तो इसे मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, टूट गए हैं फेविकॉल से, ताकि ये चल जाए। कितना दिन चलता है, फिर इसे जब पूरा ही बंद हो जाएगा तब इसे और अच्छी करके साफ करके एक पॉकेट से इसे मोड़ के मैं एज ए मेमोरेबल एक चीज़ की तरह रखूँगी। आज मैं कोशिश कर रही हूँ टूटा हुआ चीज़ जो है वो जोड़ने की, और घड़ी को चलाने की। बैटरी भी शायद ख़त्म हो गया है, बैटरी से चलते हैं। एक मैं ड्यूरासेल बैटरी लगाती हूँ तो 6 महीने तक चल जाता है, लेकिन बरसात में इसका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि बैटरी का प्रॉब्लम होता है। एनीवे, इसे ब्रश से साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। अब देख ही रही हो बहुत ही सारे चीज़, इसका छोटा छोटा खिड़की है सब टूट गए हैं, और ड्रिल करने बाद तो जितना सैंड गिरा है उतने उससे और भी गंदा हो गया है। सो बैटरी खोलने की कोशिश कर रही हूँ और दूसरा नए बैटरी दूंगी ताकि ये चल जाए फिर से। तो अल्टीमेटली बैटरी मैं चेंज कर दिया, देखते ही ये चलता है कि नहीं। साफ तो थोड़ा बहुत कर लिया। हम लोग एक साथ 4 फैमिली थे जो ये क्लॉक ख़रीदा था, सबका ख़राब हो गया था 5-6 महीने में, लेकिन हम लोगों का 12 साल तक चला। अभी मैं मोबाइल से देख रही हूँ कितना बजा है, तो उसके हिसाब से मैं टाइम सेट करूँगी। 9:20 हुआ है, सो उसके हिसाब से मैं इसे सेट कर दिया। देखते हैं चलते हैं कि नहीं। और इसका पेंडुलम भी है, इसका देखिए कितना अच्छा लगता है। ऊपर एक छोटा सा खिड़की से कुकू निकल कर कुकू करता है, और पेंडुलम आप देख ही रहे हो ख़राब हो गया है, नहीं दुलता है, झूलता नहीं है। नहा धो के मैं अभी चाय पीने बैठी हूँ, और ये है मेरा चाय और इसके साथ बादाम। और जो चीज़ मैंने वहाँ से लेके आई हूँ, मतलब जिसके लिए मैं जाती हूँ, वो है ठेकुआ। ये ठेकुआ मुझे चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ का चाय भी बहुत फेमस है। सो वो चाय जो बना रही थी, वो लड़का बोला कि दीदी तुम पूरा पैकेट लेके जाओ घर में जाके खा लो, तो पूरा पैकेट मैं लेके आई हूँ, एक खाऊंगी चाय के साथ। और कुकर खाने में उतना मज़ा नहीं आता है क्योंकि ये थोड़ा स्टीफ होता है ठेकुआ, जो आप लोग घर में बनाते हैं आप जानते ही हैं ठेकुआ थोड़ा स्टीफ होता है, लेकिन बहुत कुरमुरा सा अच्छा स्वाद में है, मुझे बहुत पसंद हुआ है। बहुत ही बड़ा साइज है, मतलब एक खाने से ब्रेकफास्ट हो जाता है, और टेस्ट लाजवाब। सो आज
यहीं पर वीडियो ख़त्म करने का बारी आए है, क्योंकि सारा दिन दिखाने जाऊँ तो 2-3 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो और घड़ी का जो वीडियो बनाया है वो भी आपके साथ शेयर करना है, मतलब 12 साल का पुराना घड़ी मैं फिर से रिकवर करके उसे ठीक किया। ये मेरा एक बड़ा अचीवमेंट है। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।